नमस्कार, स्वागत है आपका शर्माजी एजुकेशन में। विकास के सिद्धांत जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट और एस्टेट के लिए, पिछले वीडियो में हमने वृद्धि और विकास पर चर्चा की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका मिल जाएगा, आप वहां पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो विकास के सिद्धांत पर चर्चा करने से पहले ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। आई एम अनुग्रह शर्मा, MSc बीएड फ्रॉम MJPRE बरेली, को-फाउंडर ऑफ शर्मा जी एजुकेशन। ये अनअकैडमी पर मेरा लिंक है, अगर आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ ऐसा पेज दिखाई देगा, यहाँ पर जाकर आप मेरी वीडियोस को रेट कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं और मुझे फॉलो भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में जो मनोवैज्ञानिकों द्वारा कुछ सिद्धांत बताए गए थे विकास के, तो पहला सिद्धांत यहाँ पर है विकास की दिशा का सिद्धांत। तो विकास की दिशा के बारे में मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि इसकी जो दिशा होती है वो सदैव सिर से पैर की ओर होती है। तो ये इसीलिए दिशा का सिद्धांत कहलाता है क्योंकि यहाँ पर बताया गया कि ऊपर से नीचे की ओर विकास होता है। सर्वप्रथम मस्तिष्क का विकास होता है धीरे धीरे, और नीचे की ओर शरीर का फिर विकास होता है। मनोवैज्ञानिकों ने इस विकास को मस्त केघोमुखी या फिर कैफेलो काउडल डायरेक्शन कहा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सीटेट के लिए कि जो दिशा का सिद्धांत है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो ये इसका ऑप्शन जो रहेगा आंसर वो रहेगा मस्त के गोमुखी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि शिशु का पहले जो सिर होता है, जो बालक होता है उसका पहले सिर, फिर धड़, उसके पश्चात हाथ पैरों का विकास होता है। तो ये सिद्धांत ये कहता है कि सिर से पैर की ओर विकास होता है। अगला सिद्धांत क्या कह रहा है कि निरंतर विकास का सिद्धांत। निरंतर विकास का सिद्धांत क्या है? तो ये सिद्धांत स्किनर के द्वारा दिया गया था। स्किनर जो कि मनोवैज्ञानिक हैं, जिनकी कई बार चर्चा की जाती है बाल विकास में। तो इनने क्या कहा कि विकास प्रक्रियाओं के निरंतर सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये कहा इन्होंने, स्किनर ने। तो ये जो कथन है इनका, ये जो इनने स्टेटमेंट दिया था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि विकास प्रक्रियाओं का एक निरंतरता का सिद्धांत, विकास प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। विकास एक समान गति से नहीं होता बल्कि अविराम गति से निरंतर चलता रहता है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा भी था कि ये निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। तो विकास की जो गति है वो कभी तेज कभी धीमी रहती है। तो आपने देखा होगा कि जो बालक है उसका शुरुआती जो विकास होता है वो बहुत तेजी से होता है, और धीरे धीरे उसका क्या होने लगता है, उसका जो ग्राफ है वो नीचे की ओर गिरने लगता है। तीसरा सिद्धांत क्या कहता है? विकास क्रम का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार विकास एक निश्चित व व्यवस्थित क्रम होता है। बालक का गति संबंधी व भाषा संबंधी विकास एक क्रम में होता है। तो ये बताता है कि जो गति संबंधी और भाषा संबंधी विकास है वो एक क्रम में होता है। जैसे तीसरे माह में गले से एक विशेष प्रकार की आवाज निकलना, छठे माह से खिलखिलाकर हंसना, सातवें माह से बा पा म द इस तरीके की आवाज़ बोलना। तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो सर्वप्रथम कुछ इसी तरीके के आवाज़ बोलना शुरू करते हैं, जैसे पा बा इस तरीके से माँ, ये शब्द बोलना शुरू करते हैं। तो ये क्या है, एक विशेष प्रकार के परिवर्तन है, विकास है उसका बच्चे का। तो ये सिद्धांत जो है वो क्रम का सिद्धांत कहलाता है, जिसमें जो बच्चे होते हैं उनका जो विकास होता है वो व्यवस्थित क्रम में होता है, भाषा संबंधी या गति संबंधी विकास। ठीक है, तो ये क्रम का सिद्धांत कहलाता है। अगला सिद्धांत क्या है कि विकास की गति में व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। तो व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत क्या है कि वैज्ञानिक अध्ययन द्वारा यह सिद्ध करते हैं कि जो विभिन्न व्यक्तियों के विकास की जो गति होती है वो अलग अलग होती है। मतलब ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति हैं उनकी जो विकास है वो एक जैसा होगा, जितने भी व्यक्ति हैं उनका सबका विकास क्या होता है, अलग अलग होता है। एक ही आयु के दो बालकों में जो शारीरिक विकास और मानसिक विकास और सामाजिक विकास जो होता है उसमें भिन्नताएं दिखाई दे जाती है। किन्हीं भी दो बालकों को देखिए, उनके जो स्मरण शक्ति है उसमें भिन्नता होगी, शारीरिक जो विकास है उसमें भिन्नता होगी। मतलब जो एक व्यक्ति है वो प्रत्येक दूसरे व्यक्ति से क्या होता है, भिन्न होता है। तो व्यक्ति भिन्नता का सिद्धांत यही बताता है कि कोई भी दो व्यक्ति का विकास जो होता है वो एक जैसा नहीं होता है। अब परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या है? परस्पर संबंध का सिद्धांत यह बताता है कि बालक के शारीरिक मानसिक संवेगात्मक पक्ष के जो विकास है उसमें परस्पर कुछ ना कुछ संबंध होता है। तो शारीरिक विकास के साथ ही साथ उसकी रुचि, ध्यान व व्यवहार में भी परिवर्तन होता जाता है। तो शारीरिक विकास बुद्धि विकास को प्रभावित करता है। तो ये परस्पर संबंध का सिद्धांत है। तो संबंध किस किस में बताया गया? शारीरिक मानसिक संवेगात्मक पक्ष के विकास में।
तो इसमें संबंध होता है। तो किसी भी शारीरिक विकास के साथ साथ क्या होता है कि उसकी रुचि ध्यान व्यवहार में भी लगातार क्या होता रहता है, परिवर्तन होते रहता है। तो ये क्या है, परस्पर संबंध का सिद्धांत है कि जैसे जैसे बालक के शारीरिक विकास शारीरिक शरीर की वृद्धि हो रही है, वैसे वैसे क्या हो रहा है उसकी रुचि भी क्या हो रही है अलग अलग चीज़ों में अलग अलग वस्तुओं में बढ़ती जा रही है। ध्यान उसका अलग होते जा रहा है या फिर उसका व्यवहार है, उसके गुण है, क्रियात्मक है, तो ये सब क्या है उसमें परिवर्तन आते जाता है शरीर में वृद्धि के साथ। अगला सिद्धांत कहता है समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो समान प्रतिमान का सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार मानव जाति के शिशुओं में विकास का प्रतिमान एक ही है, अर्थात उनके विकास में किसी प्रकार का अंतर नहीं होता। तो हॉरलॉग जो थे मनोवैज्ञानिक, उन्होंने इस सिद्धांत का अर्थ स्पष्ट किया था और इसको स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक जाति, चाहे वह पशु जाति हो या फिर मानव जाति, अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। मतलब जो पशु है, जीव जंतु है, वो अपने आनुवंशिकता का, अपने विकास का आगे क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। ऐसी मानव जाति जो है वो अपने ही विकास का क्या करती है, वो क्या करती है, अनुसरण करती है। ठीक है, तो पशु और मानव दोनों ही प्रकार के जो जीव हैं वो अपने ही विकास के प्रतिमान का अनुसरण करते हैं, ऐसा ये समान प्रतिमान का सिद्धांत कहता है। तो इस सिद्धांत को दिया था हॉरलॉक ने, तो ये ध्यान रखेंगे समान प्रतिमान का जो सिद्धांत है वो हॉरलॉक का है। आगे देखते हैं सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीटेट में कई बार पूछा जा चुका है। तो इस सिद्धांत के अनुसार विकास के समस्त पक्षों में बालक सबसे पहले सामान्य प्रतिक्रिया करता है। तो सामान्य प्रतिक्रिया जैसे कि भाषा शब्द अभी हमने बात की थी, चीज़ों को पकड़ना, महसूस करना और कुछ छोटे छोटे शब्दों को बोलना, जैसे माँ पा और इस तरीके से बा। तो उदाहरण के लिए किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए सामान्य रूप से केवल हाथ ही नहीं बल्कि अन्य अंगों को भी हिलाता है, किंतु धीरे धीरे उसे प्राप्त करने के लिए विशिष्ट रूप से हाथ बढ़ाता है। तो ये एक छोटे बच्चे की एक विशेषता है कि वो क्या करता है कि सर्वप्रथम किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए सभी अंगों को हिलाता है और धीरे धीरे क्या करता है फिर अपना हाथ बढ़ाता है। तो ये सामान्य से विशिष्ट की ओर इस सिद्धांत की में इसी चीज़ को बताया गया है। तो ये प्रतिक्रियाओं को बताता है कि जो बालक होता है वो सबसे पहले सामान्य घटनाओं को करता है और उसके बाद धीरे धीरे वो उन्हीं घटनाओं से सीखता है और फिर एक विशिष्ट प्रतिक्रिया देने लगता है। उसके बाद आता है वंशानुक्रम व वातावरण के मध्य अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो अंतःक्रिया का सिद्धांत क्या कहता है कि बालक का जो विकास होता है वो वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया के कारण होता है। तो इसके आगे जो शिशु है वो विकास नहीं कर सकता। मतलब अगर जो बालक है वो एक निश्चित आयु, जैसे मान लीजिए 20 22 25 वर्ष की आयु में है, तो इसके बाद जो उसकी वृद्धि है वो रुक जाती है। उसके बाद ना तो उसके आकार में कोई वृद्धि होती है और ना ही उसके मस्तिष्क में। मस्तिष्क का जो विकास है वो भी धीरे धीरे उसका जो ग्राफ है वो घटने लगता है। तो वंशानुक्रम और वातावरण के जो मध्य अंतःक्रिया का सिद्धांत है वो कहता है कि वंशानुक्रम और वातावरण के जो कारण उसका विकास है वो धीरे धीरे एक निश्चित समय के पश्चात रुक जाता है। ठीक है, अगर यही सिद्धांत है, अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है, सिद्धांत अच्छे से समझ में आ गए हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर सीटेट और एसटेट के जो वीडियोस हैं वो लगातार हम यहाँ पर डालते रहेंगे। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको अन्य कौन सी जानकारी चाहिए, तो वो भी आप अगर हमें बताएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि उस पर आधारित कुछ अपना वीडियो बना सकें। थैंक यू।